इस मंच की गरिमामय उपस्थिति पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज और एक लंबे कालखंड में अपनी सेवा के माध्यम से जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए प्रेमचंद जी गोयल और इस राजस्थान की वीरांगना दिया जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन और हमारे बहुत प्यारे से लेकिन बातों में उलझे हुए अशोक बागला जी श्रवण जी और इस सदन में उपस्थित आप सभी, हम लोग रात दिन प्रवचन करते ही हैं। वेदों पर बोला, गीता पर बोला, रामायण पर बोला, अष्टावक्र महागीता पर बोला, उपनिषदों पर बोला, 7000 प्रवचन दिए। आज प्रवचन का समय नहीं है। सबसे पहले तो मैं उन सब का अभिनंदन करना चाहता हूँ जो माँ भारती के सपूत इस समय पूरे भारत में सेवा का ये दीप लेकर चारों ओर प्रकाश फैला रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। पिछले दिनों माननीय दिनेश जी यहाँ बैठे हुए हैं। कोरोना कालखंड में विश्व हिंदू परिषद का मंदिर निर्माण के लिए दान संग्रह के लिए सभा आयोजित होनी थी। आप पधारे, आपने कहा आपके दिल्ली आश्रम में आनंद धाम में हम चाहते हैं भारत के 200 प्रमुख सन्यासी इकट्ठे हों और विश्व हिंदू परिषद के नीति निर्माता लोग भी आए, तो क्या संभव होगा? मैंने इनसे कहा था कि हमारे कार्य को आप कर रहे हैं तो हमारे लिए इससे बढ़कर के क्या हो सकता है, आप आइए हम स्वागत करेंगे। मैं देखता हूँ कि इस समय लद्दाख से लेकर के और पूरे हिमाचल के उन भूभाग में जहाँ परमेश्वर के प्रेम को पहुँचाने की बहुत आवश्यकता है और नशे का बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन ऋषिपाल डडवाल जी पहुँचे, वहाँ के डॉक्टरों को इकट्ठा किया, सेवा भारती का कार्य करने के लिए तत्पर हुए। सामने हमारा आश्रम है, इन्होंने कहा कि हमारा तो अधिकार है आप पर। मैंने कहा बिल्कुल अधिकार है, मिलजुल कर इस मशाल को हाथ में लेकर चलते हैं। हम सब का कर्तव्य है कि हम पूरे देश में ये ज्योति जागृत करें, सेवा तन से भी, मन से भी, धन से भी, भावना से भी जन जन तक पहुंचनी चाहिए। मैं देखता हूं उन लोगों को जो लोग छत्तीसगढ़ में या महाराष्ट्र के उन दुर्गम स्थानों में जहां नक्सली लोग हर दिन ही हत्याएं कर रहे हैं, झारखंड में जहां हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे दो स्कूल चलते हैं वहां, एकल विद्यालय तो अपनी धूम मचा ही रहा है, लेकिन आदिवासी समाज जिसको आदिवासी कहा जाता है तो वनवासी, लेकिन लोग वनवासी कहने से पहचानते नहीं है। हम लोगों के लगभग 25 वर्ष से काम कर रहे हैं वहां पर। पीछे मैं जब वहां गया, पुलिस विभाग ने कहा कि आपके लिए पुलिस व्यवस्था करते हैं। आदिवासी समाज के लोगों ने कहा पुलिस साथ मत लीजिए, नहीं तो नक्सली लोगों के द्वारा गोली जरूर चलेगी, आप अकेले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब हम गए तो 2000 वनवासी
तीर कमान हाथ में लेकर, कुल्हाड़ी और फरसा लेकर के, और उनकी महिलाएं अपने सिर पर वो पत्तों का मुकुट लगाकर नाचती गाती हुई लेकर के जब चलने लगे, उन्होंने कहा कि आपको संरक्षण देने की जिम्मेदारी हमारी है, पुलिस की नहीं है, आप हमारे लिए आ रहे हैं। तो समझ में आता है कि उन लोगों तक अगर हम अपना प्रेम लेकर जाएं, ईश्वर का, धर्म का प्रेम लेकर जाएं, तो वो आपके लिए जान लड़ाने के लिए तत्पर हैं। हमें काम करने की आवश्यकता है। आप सबसे मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपनी मर्जी से इधर नहीं आए हैं, सेवा के क्षेत्र में अपनी मर्जी से नहीं आए, किसी के कहने पर भी नहीं आए। आपका चुनाव ईश्वर ने किया है, उन्होंने चुनाव किया है आपका, और वो जिनको बहुत प्यार करता है उन अपने लाडलों को यह अवसर देता है कि वो जाएं और जन जन के बीच में जाकर उस प्रेम को पहुंचाएं जिसकी आज नितांत आवश्यकता है। इसलिए जो आप लोग कार्य कर रहे हैं ये साधारण काम नहीं है। जब गीता में भगवान श्री कृष्ण ये उल्लेख करते हैं, संतुष्ट सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त समय प्रिय, निरंतर संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति जो मुझसे लगातार जुड़ा हुआ है, जिसका निश्चय पक्का है, मन बुद्धि जिसने अपनी मुझे अर्पित कर दी, और इस तरह से चाहे वो पूजा पाठ से या सेवा से मेरी ओर लगा हुआ है, कुछ वे हैं जो मुझे याद करते हैं, पर वो सेवा में लगे हुए लोग वे हैं वो मुझे याद नहीं कर रहे, मैं उनको याद कर रहा हूँ। ये भगवान आपको याद करते हैं, भगवान को याद करने वाले बहुत सारे होंगे, पर सेवा वालों को तो भगवान ही याद रखते हैं, क्योंकि समय प्रिय भगवान कहते हैं वो मेरे प्यारे हैं। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि ये साधारण कार्य नहीं है, और हनुमान जयंती का दिन, क्योंकि चुना ही ये दिन गया है, तो हनुमान जी को ध्यान में रख करके हम लोगों को वो सारी प्रेरणाएं लेनी चाहिए। ये जरूर समझ में आता है कि सेवक को होना कैसे चाहिए, अगर इस बात को समझना है तो हनुमान जी से समझा जा सकता है। बात इतनी थी कि सीता जी की खोज करनी है, पता लगाना कि लंका में कहाँ सीता जी हैं, बस इतनी बात थी। लेकिन हनुमान जी जानते हैं कि इतनी ही बात नहीं है, आपको अगर कोई एक काम दिया जाता है तो उसके पीछे कितनी सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं, अगर इसको समझना है तो राम सेवक राम दूत हनुमान जी से समझा जा सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि हनुमान जी को जामवंत को जगाना पड़ा था, इसलिए कोई ना कोई जामवंत हमारे बीच में चाहिए जरूर। अभी थोड़ी देर के लिए प्रेमचंद जी जामवंत बनने के लिए थोड़ा कार्य कर रहे थे, तो ऐसे जामवंत की आवश्यकता हमें पड़ती है। हम लोग तो माननीय रज्जू भैया से लेकर के माननीय सुदर्शन जी, और अब तो भागवत कथा चली रही है, चारों तरफ चल रही है, और कथा वो है जो व्यथा हर रही है, और बहुत अच्छे से कार्य हो रहा है। और ठीक है कि हमने भी बहुत बीच में बलिदान देना पड़ा, हमारी संस्था को भी बहुत ज़्यादा पीड़ा सहनी पड़ी, 12 साल तक सहनी पड़ी, क्योंकि शंकराचार्य के मामले में हम लोग जब खुल के सामने आए थे, और जिनके यहाँ मैं कार्यक्रम देने के लिए गया हुआ था वो उस समय गृह मंत्री थे, उनकी कथा छोड़ के आ गया था, और माननीय अडवाणी जी ने और सुषमा स्वराज जी ने सीधा कहा था कि आज आवश्यकता है आपकी, कथा तो रोज होती रहेगी लेकिन इस व्यथा को हरने के लिए हर किसी को आगे आना पड़ेगा, आप कथा छोड़ सकते हैं तो जरूर आइए, और अपने लोगों को कहिए कि सब इकट्ठे हों। मैंने कहा मैं लोगों को कह देता हूँ, बोले नहीं आप पहले खुद आइए। अब मैं कथा छोड़कर गृह मंत्री की चला आया तो फिर उसका तो खामियाजा भुगतना था ना, 12 साल भुगता। ठीक है, व्यक्तिगत पीड़ा हो सकती है कि हमारे ये लोग नहीं आए, वो लोग नहीं साथ आए, फलाना नहीं आए, हमने कहा अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, लेकिन हमने शिकायत कभी किसी से नहीं की कि ये लड़ाई मुझे अकेले क्यों लड़नी पड़ी। लेकिन एक बात जरूर है कि जिसने भी कार्य करना है उसको किसी से शिकायत और किसी का धन्यवाद लेने की आवश्यकता नहीं, उसे तो आगे लगना ही पड़ेगा। और क्या कुर्बानी देनी पड़ेगी, इस बात के लिए भी
शिकायत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ उनके लिए जरूर मैं कहूँगा जिन्होंने आपके लिए अब तक काम किया। गड़ गए जो नींव में उन पत्थरों को याद कर लो, गड़ गए जो नींव में उन पत्थरों को याद कर लो, जो नहीं देते दिखाई उन बहादुरों को याद कर लो, जिनके कारण आज ये दिन आया है कि लोग हम भी हिंदू हैं घोषणा करने लगे हैं, हम भी मंदिर जाते हैं घोषणा करने लगे हैं, जिनके कारण आज सब लोग जैसे बरसात में मेंढक निकलते हैं, बहुत लोग मेंढक बनकर निकलने लग गए हैं, तो जिनके बलिदानों से ये सब हुआ, जिनकी चढ़ती हुई जवानी खोज रही अपनी कुर्बानी, जलन एक जिनकी अभिलाषा, मरण एक जिनका त्योहार, नमन उन्हें मेरा शतबार, मैं उनको पहले प्रणाम करना चाहता हूं। लेकिन एक निवेदन इस समय हम लोग जरूर ध्यान में रखें, खीर भवानी के महादेवी के मंदिर में स्वामी विवेकानंद जब गए कश्मीर में और टूटा हुआ मंदिर देखा, तो जगदम्बा का ध्यान करके बैठे और प्रार्थना करने लगे कि माँ मैं तुम्हारा मंदिर बनाना चाहता हूँ। ध्यान लगा, अंदर से आवाज आई कि पहले जन जन के अंदर जो भावना टूटी हुई है मंदिर वाली, वो जगाने की आवश्यकता है। और उसके बाद वो खड़े हुए और उन्होंने कहा माँ मैं मंदिर बनाऊंगा और मेरी एक ही माँ है, देवी माँ है, और उसका नाम है भारत माँ, मैं उसका मंदिर बनाऊंगा और उसके लिए कार्य करूंगा। और निकले और पूरे भारत को एक करने के लिए, हिंदू समाज को, हिंदू संस्कृति को, माँ भारती को अभिनंदन करने के लिए, जन जन को जोड़ने के लिए जो कार्य किया, और इतनी छोटी आयु में, वो साधारण कार्य नहीं था। इसलिए आज बहुत आवश्यकता है कि ये एक एक व्यक्ति की, एक एक मन की, एक एक हृदय की, सबकी शक्ति लगने की आज आवश्यकता है। इसलिए ये निवेदन करना चाहता हूँ सभी से, आज इतिहास बन रहा है और इस इतिहास में भले ही हमारा गिलहरी वाला ही प्रयास हो, लेकिन बात तो ये होगी कि राम जी का सेतु बन रहा था, गिलहरी तुम्हारे परिवार के जिम्मे भी एक जिम्मेदारी आई थी, तुमने योगदान दिया था या नहीं, उसने अपनी पूंछ में लाकर जो रेत के कण डाले उसने अपनी भूमिका पूरी कर दी। आज भूमिका तो सबको ही पूरी करनी होगी, सबको ही लगना होगा, कार्य सबको करना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद की बात याद आ रही है तो ये भी ध्यान में आ रहा है कि जब वो पहली बार बाहर से आए चल करके, तो उनका जहाज कोलंबो में रुका, कोलंबो भारत का हिस्सा था और आप लोग जानते हैं कि भारत के कम 7 टुकड़े हुए हैं 7 खंड हुए। और जब उनके स्वागत के लिए सिंगल द्वीप के बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने अपना जो वहाँ भाषण दिया था उसमें 2 शब्द बड़े अद्भुत थे। उन्होंने ये कहा था कि आज पूरे विश्व को देखने के बाद और वहाँ पश्चिम को समझने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ, यदि संसार को ईश्वर प्राप्ति के लिए किसी भी मनुष्य को लगन लगी हो और वो उस मार्ग पर आगे जाना चाहता है, तो उसको किसी और देश में नहीं भारत में जन्म लेना होगा या भारत में आना पड़ेगा। यहीं से उसके अंदर वो संवेदनाएं जागेंगी, वो करुणा जागृत होगी जो प्राणी मात्र के प्रति जागृत होती है, जिसमें साधना और सेवा दोनों साथ चलती है। जब वो चीज़ें जुड़ेंगी तभी वो ईश्वर को प्राप्त कर पाएगा। आप लोग जो सेवा कर रहे हैं वो साधना है, हाँ उस साधना में थोड़ी आध्यात्मिकता, थोड़ी भक्ति,
थोड़े ध्यान की और ज़्यादा जरूरत है कि जब कभी हमारा मन टूटने लग जाए तो फिर हम भीतर से जागृत हो सकें। जब कोई हमारे कार्य को समझे ना समझे, हम अपने भीतर से इस बात को समझने लग जाएं कि नहीं, मैं ईश्वर का कार्य कर रहा हूं। और जब ये बात ध्यान में आएगी, अपने भीतर से ही आनंद उपजेगा और आपको लगेगा कि मेरा इस धरती पर आना सार्थक हुआ है, मैं कुछ कर पाया हूं। इसलिए जब मैं ये पन्ने पलट रहा था तो मुझे वो श्लोक बहुत प्रेरणा दे रहा था, न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम। ईश्वर प्रसन्न हो गए और भारत का एक महान सिद्ध साधक प्रार्थना करने लगा कि आज मेरी तपस्या और मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर के आप मुझे कुछ देना चाहते हैं। न तो हम कामय राज्यम, राज्य नहीं चाहिए, न स्वर्गम, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, न पुनर्भवम, और ये भी इच्छा नहीं कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। कामय दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम, प्राणी मात्र के हृदय में उठती हुई पीड़ा को नाश करने के लिए और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए मैं वो शक्ति चाहता हूँ कि मैं रोते हुए को हंसा सकूँ, दुखी को दुलरा सकूँ, गिरे हुए को उठा सकूँ, पिछड़े हुए को आगे ला सकूँ। आप लोग देखिए कि इस समय जो कार्य हो रहे हैं उसमें दिशा क्या है, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान देना। मैं अपनी बात को इस तरह से घुमा के कहना चाहता हूं कि दुनिया में तीन कौम जिनका कन्वर्जन हुआ और जिनको सॉफ्ट टारगेट बनाया गया, चाहे वो मसाई जाति के लोग थे, निग्रो थे, हबसी थे, अफ्रीकन मूल के लोग, जितने भी जातियां प्रजातियां वहां हैं, उनको चुना गया। दूसरे सॉफ्ट टारगेट थे बुद्धिस्ट, उनको चुना गया। तीसरे वे थे जो हिंदू, उनको चुन लिया गया, क्योंकि हमारी भावना कुछ लोग की ऐसे हो गई थी जैसे आलू की। मेरी बात को थोड़ा सा कड़वा मत ले लेना। आलू को टमाटर के साथ मिलाओ, बैंगन के साथ मिलाओ, बथुए के साथ मिलाओ, पालक के साथ मिलाओ, गोभी के साथ मिलाओ, ये सब के साथ मिल जाता है, पर इससे कोई मिलने को तैयार नहीं होता। सब्जी गोभी की कहलाएगी, सब्जी टमाटर की कहलाएगी। भाई तुम्हारी भी अपनी कोई पहचान है या नहीं है? सबके साथ मिल जाते हो जाकर के, सबके आगे हाथ जोड़ देते हो। अब हाथ जोड़ने का नहीं, हाथ जुड़वाने का समय आ गया है और उसके लिए जागृत होने की आवश्यकता है। अब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, वो तीन सॉफ्ट टारगेट, उनके साथ क्या हुआ? अफ्रीका में जो भी अफ्रीकन मूल के लोग थे, दो भागों में बांट लिए गए, कुछ आधे ईसाई बन गए, आधे मुस्लिम। बुद्धिस्टों के साथ यही हुआ, कुछ कम्युनिस्ट हो गए, कुछ मुस्लिम। इस नाम से कुछ इसमें भी फर्क पड़ता है। और बढ़ते चले गए, यही चीज हमारे साथ हुई, हिंदू समाज के साथ हुई। और विचित्र तमाशा देखिए, किसी ने लॉलीपॉप शिक्षा का दी, होती का दवा, किसी ने हमदर्दी जताई, किसी ने हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाया, किसी ने हमारी संस्कृति पर प्रहार कर दिया। और हम लोग जो है गोवा में जो पुर्तगीज जैकालियट रहे हैं, जिन्होंने बाइबल इन इंडिया किताब लिखी, भारत के का गुणगान किया, हम उनके शब्द तो बोलते हैं कि देखो भारत के बारे में उन्होंने क्या कहा, लेकिन जिन्होंने भारत के साथ क्या कर दिया हम उनको बोल रहे हैं। मैं अपने विद्यार्थियों के, हमारे यहाँ जो है दो गुरुकुल चलते हैं, अनाथालय चलते हैं, सात गौशालाएं चलती हैं, तो जो हमारे गुरुकुल हैं उनमें उपदेशक विद्यालय भी चलता है। मैं उन लोगों को कहता हूँ कि आपको जबूर भी पढ़नी चाहिए, तालमुद भी पढ़नी चाहिए, आपको पुराना अहदनामा भी पढ़ना चाहिए, न्यू टेस्टामेंट भी पढ़ना चाहिए, कुरान शरीफ भी पढ़नी चाहिए, कुरान मजीद भी पढ़नी चाहिए। आपको जो है ये सारी चीज़ों को देखो और उसके बाद समझो वे क्या हैं और हम क्या हैं।
आपको वर्ल्ड हिस्ट्री को भी पढ़ना चाहिए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ हमारे सब लोगों को, आप सब लोग जो बैठे हुए हैं, आप तो एक एक व्यक्ति प्रचारक है, आपके सामने भाषण नहीं दिया जा सकता, आपसे तो बात करनी है, ये वार्तालाप करना चाहता हूँ मैं कि जब तक हम ये पढ़ेंगे नहीं, सात पहाड़ियों पर बसा हुआ रोम का साम्राज्य कैसे उठा और कैसे पतन हुआ, केवल हम लोग राजस्थान का इतिहास लिखने वाले कर्नल टॉड को पढ़ करके कह दें कि यही हमारा इतिहास है? हमें तो बहुत बारीकी से अपनी गौरव गाथा को भी पढ़ना पड़ेगा और हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। जो भी प्रबुद्ध समाज यहाँ बैठा हुआ है, इतिहास पर दृष्टि डालें, बच्चों को भी जगाएं, और सेवा में भी काम करना है, शिक्षा में भी काम करना है, संस्कारों में भी काम करना है। नहीं तो आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने भी एक अभियान शुरू कर दिया परिवार जोड़ों के नाम से, संस्कार बच्चों में देने के लिए भी हमने कहा कि 12 साल की एज के बच्चों को आप लेकर के आइए, मंदिर में लेकर आओ, गुरुजी के सामने बैठाओ, जब तक बच्चा माँ का लाडला है तब तक वो सीख सकता है। जैसे वो टीन एज पार करता है उसके बाद वो ना माँ की सुनता ना पिता की सुनता, इसी समय सुनाया जा सकता है। नहीं तो आप लोग देखते हैं कि 19-20 का हुआ, मेरी लाइफ मेरी मर्जी, तुम बीच में कौन, और उसके बाद कोई 35 टुकड़े होते हैं, कोई 50 टुकड़े होते हैं। बहुत अंधेरा दिखाई देता है लेकिन रोशनी भी दिखाई दे रही है, और मैं रोशनी ये नहीं कहता कि कहीं और हैं, इतने सारे लोग जो बैठे हुए हैं ये सारे दीप हैं, और जलते हुए दीपक की बहुत बड़ी कीमत है। इसलिए हम मिलें, मिलकर काम करें। हाँ, बीच बीच में उन लोगों को जरूर याद करते रहें जिनके द्वारा हमें रात दिन प्रेरणाएं मिलती हैं, गुरुजनों को याद करें। उनको जब याद करते हैं तो फिर वही बात होती है कि केशव चंद सेन का इतना बड़ा नाम था और वो मिलने के लिए रामकृष्ण परमहंस के पास गए 200 लोगों को लेकर के, और उस समय एक फटी हुई बनियान पहने हुए एक युवक पीछे पीछे चल रहा था कि मेरे गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस, लेकिन केशव चंद सेन के साथ जाऊंगा तो फिर जो है मैं गुरुजी से कहूंगा इनसे सिफारिश कर दो मेरी नौकरी लग जाए। और जहां जाकर के वो बैठे, केशव चंद सेन ऊंचे सिंहासन पर उनको बैठा दिया, ठाकुर रामकृष्ण देव पीछे जाके बैठ गए 200 लोगों के बीच में पीछे, और पीछे वो फटी बनियान वाला युवक भी बैठा हुआ था। लोगों ने कहा इनके साथ क्यों बैठे हुए हो, वहां बैठो ना, केशव चंद सेन आपसे मिलने आए हैं, जॉर्ज किंग इनसे मिलने के लिए आए थे, वायसराय इनसे मिलने के लिए आए थे, आपसे मिलने ये आए हैं, तो आप पीछे मत बैठिए, आगे आके बैठिए। और देखिए एक दीपक बैठा हुआ है ऊपर, उन्होंने कहा एक दीपक बैठा हुआ केशव चंद सेन के रूप में। ठाकुर रामकृष्ण देव ने उस फटे हुए बनियान वाले युवक के पीठ पे हाथ रख करके कहा, वहां दीपक बैठा हुआ, यहाँ सूरज बैठा हुआ, और वही था जो बाद में विवेकानंद बन करके चमता धरती इस संसार में। और उन्होंने कहा कि इनको आज लोग पहचान रहे हैं, शायद कल भुला दें। ये सूरज जो आज चमकने लगा है और जो चमकेगा ये कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। और वही नरेंद्र जाकर जब विवेकानंद बना तो आज भी सूरज है, कल भी सूरज रहेगा। इसलिए जब गुरु का साथ मिलता है, गुरु पहचानता है, और आपको तो भगवान ने पहचाना है, तभी तो अपनी सेवा में लगाया है। इसलिए आप सभी बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई के पात्र हैं। इसलिए मैं अपनी तरफ से कुछ न कहते हुए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप लोग कार्य कीजिए, मेरी छोटी सी संस्था है, हम लोग बिल्कुल साथ हैं आपके, कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी आवश्यकता है निश्चित रूप से साथ खड़े हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं।